पे आता है ना तो इसको फोटो खिंचाना होता है यहाँ पे बैठ के, जो कि देखिए यार मेरा फोटो खिंचवा रहा है। अब बैठा कहाँ पर है? कहाँ बैठे हो? इधर देखो, वहाँ बैठो, वहाँ पे हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी है इवनिंग का टाइम, तो देखिए मैं हो गई हूँ रेडी, और अभी ना 7 के आसपास हो रहे हैं यानि कि शाम के। तो अयान काफ़ी रो रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे घूमने जाना है, तो ये कहने लग गए चलिए इसको ना थोड़ा सा घुमा के ले आते हैं बाहर, और थोड़ा सा कुछ सामान भी लेना था तो सोचा सामान भी आ जाएगा और इनको घुमा के भी ले आएंगे। और मुझे जल्दी जल्दी में जो मिला वही मैंने पहन लिया, क्योंकि अयान की डैडू की आदत है, अगर उन्होंने बोल दिया ना कि 2 मिनट में रेडी हो जाओ तो 2 मिनट में रेडी हो जाओ। तो बस वही मैं जा रही हूँ अयान को घुमाने के लिए, क्योंकि सोनी है नहीं, सोनी किट्टू को और जीतू को लेके गई हुई है, तो इसी वजह से अयान थोड़ा सा और ज़्यादा रो रहा था। तो इधर देखिए मैं अयान को ले आई हूँ मैगडी में, क्योंकि ज़्यादातर मैं यहीं पर आती हूँ क्योंकि ये मेरे घर के पास में है, तो आ भी जाते हैं, बस 5 मिनट लगते हैं यहाँ आने में। इतनी भीड़ हो रही है, जगह ही नहीं है बैठने के लिए। ये बैठ जाओ, बैठना है, यही सही है, यही बैठ जाओ, यहाँ पे जगह है। देखो आज यान के बाल कट गए, था यान का मुँह कैसा लग रहा है, छोटा छोटा सा है। बस आ गई हूँ मैं, और हाथ मुँह धो लिया मैंने, और अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए। और खाने में मालूम क्या मैंने बनाई थी? पकौड़े वाली कढ़ी। तो कढ़ी मेरी रखी हुई है, ये देखिए ये मैंने दिखाई थी। तो सब्जी तो बनानी नहीं है क्योंकि सब्जी रखी है, तो रोटी और चावल बनाने हैं मुझे, तो बस वही जा रही हूँ मैं बनाने के लिए। और आपके साथ में एक बात शेयर कर रही हूँ, मालूम क्या होता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ लेकिन गोलगप्पे खाने के लिए ना इंसान सड़क पे ही खड़ा होता है, वो चीज आज मैंने देखी है। मालूम क्या, हम लोग जब गोलगप्पे खा रहे थे तो मैंने देखा गाड़ियां इतनी बड़ी बड़ी लोग लेके आ रहे थे, 1-1 करोड़ की गाड़ी लेके आ रहे थे लोग, लेकिन गोलगप्पे खा रहे थे सड़क पे खड़े होके। तो मैं इनसे कहने लगी, मैंने बताओ इतने बड़े आदमी है ये और सड़क पे खड़े होके गोलगप्पे खा रहे हैं। तो होता है ना, ये एक ऐसी चीज होती है, चाहे आप 5-स्टार होटल में जाओ वो मजा नहीं आएगा खाने का जो सड़क पे खड़े होके मजा आता है। और आज मालूम क्या हुआ, मैं जल्दी जल्दी में चली गई थी, और अयान मेरा रो रहा था, मैंने बताया था ना, क्योंकि सोनी गई हुई थी और सोनी अभी वापस नहीं आई है लौट के, मैं पहले आ गई हूँ घर, वो अभी तक नहीं आई है। तो कह रहा था मुझे भी जाना है घूमने के लिए, लेकिन ये सोनी के साथ गया नहीं, तो ये कहने लगे चलिए इसको घुमा लग के ले आते हैं, नहीं तो ये रोना बंद करेगा नहीं बिल्कुल भी। तो मेरी आदत ये है, मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मुझे रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 20-25 मिनट लग जाते हैं, और मैं लोवर टी शर्ट में ऐसी घर पर बैठी हुई थी, तो ये कहने लग गए तुम भी चलो साथ में। और खासकर मेरा अयान मेरे बगैर जाता नहीं है, आसपास तो चला जाएगा लेकिन उसको पता होगा कि पापा कहीं दूर जा रहे हैं यानी कि मार्केट जा रहे हैं, तो नहीं जाएगा वो। तो फिर मैं फटाफट तैयार हो गई, और इनकी आदत ये है अगर ये एक बार आपको बोल देना कि फटाफट तैयार हो जाओ तो तैयार होना चाहिए, नहीं तो ना हम दोनों की हो जाती है।
आज वो भी गेट ही गेट पे पहुंच गए थे, कहे तो अपने तैयार होती रहो और मैं जा रहा हूँ। नॉक जॉब होती रहती है अभी भी मैं, है ना। और मेरी खासकर इसी बात पे होती है, मेरी कभी भी नहीं होती है। इसी बात पे हमारा झगड़ा होगा ना, तो बस जब मैं कहीं जाती हूँ ना तो मैं रेडी होने में थोड़ा सा टाइम लगाती हूँ, तो इसी बात पे थोड़ी सी मेरी हो जाती है, कभी कभार हो जाती है। और मैं रख देती हूँ ये गर्म करने के लिए, तो मेरी धीरे धीरे गर्म होती रहेगी। और आज मैं बताऊँगा, आज मालूम क्या हुआ है, आज मेरी जो मॉर्निंग की शुरुआत हुई है वो हुई है शाम को 4 बजे से। मालूम क्या, आज मेरा हो गया था पानी ख़त्म। और जब मैं सुबह सो के उठी थी, आज सुबह क्या था, आज है सैटरडे और आज की अयान की छुट्टी थी 2nd सैटरडे की, तो ये भी रात में लेट आए थे, तो हम लोग लेट ही उठे थे सुबह, तो देखा टंकी खाली थी बिल्कुल। और मेरे घर में पानी मालूम कितना था, शायद 2 या 3 मग्गा पानी था, बिल्कुल भी पानी नहीं था। पानी आया है दोपहर में करीब 3 बजे के आसपास, तब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहे। आज मालूम क्या, ब्रश भी नहीं करा, ऐसे ही बैठे रहे। फिर क्या करा, फिल्टर में से पानी निकाला, जब जाके हम लोगों ने ब्रश किया तो खाना तो बन गया था आर ओ से पानी निकाल के, बाकी मेरे घर में कोई भी नहीं आया था। और देखिए मैं पसीने में आ गई हूँ क्योंकि किचन में लग रही है गर्मी। तो जाके शाम को 4, 4:30 बजे हम लोगों ने नहाया, जब आया पानी जब, तो कभी कभी मेरे घर में ऐसा हो जाता है। और ये चीज़ मालूम क्या होता है, गाँव में सही है, पानी की कोई टेंशन नहीं है, हैडपम्प है, फटाफट पानी निकालो और अपना काम कर लो। और पानी एक ऐसी चीज होती है, पानी के बगैर ना इंसान जिंदा नहीं रह सकता बिल्कुल भी। अगर आप कोई भी काम करोगे, नहाओगे, धोओगे, पियोगे, खाओगे, कुछ भी करोगे, तो पानी तो चाहिए होता है, तो पानी के बगैर कुछ भी नहीं होता है। आज ना सुबह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी और ऐसा लग रहा था घर में कोई काम ही नहीं है, क्योंकि फ्री बैठे थे, पानी के बगैर कोई काम ही नहीं कर सकते थे। तो इस वजह से आज मैंने अपना वीडियो भी नहीं बनाया, लेकिन पसीना ही पसीना हो रहा। मैं जा रही फटाफट, बातें करती रहूंगी, ऐसे ही खाना बना लूँ। चावल रख देती हूँ उधर बनने के लिए और आटा गूंदा रखा है, मैं रोटी भी फटाफट बना लेती हूँ जल्दी जल्दी में, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं बोल के आ रही हूँ। तो फटाफट रोटियाँ सेक लूँ और इधर रख देती हूँ मैं चावल बनने के लिए, और तब तक शायद सोनी भी आ जाएगी। इधर रख देती हूँ मैं चावल बनने के लिए, तो बस 2 के चावल रख दिए हैं मैंने, और तब तक मैं सेक लेती हूँ रोटी। और रोटी ज़्यादा नहीं बनानी है, बस 2-2 रोटी बनानी है, तो 7-8 रोटी मैं बनाऊँगी। और मुझे ना एक डर हमेशा लगा रहता है कि कहीं मेरे वीडियो पे कॉपीराइट ना आ जाए, क्योंकि अगर मैं कभी कभी होता है ऐसा म्यूजिक लगा देती हूँ ना तो कॉपीराइट आ जाता है। तो मैं ज़्यादातर वॉइस ओवर करती हूँ और अगर लाइव नहीं बोल पाती हूँ तो। और इधर देखिए सोनी आ गई थी, तो सोनी बना रही है चटनी। और मेरे घर में मालूम क्या होता है, चाहे 1 सब्जी बने या 2 सब्जी बने, लेकिन ये चटनी बननी होती है। और ख़ासकर जब से सोनी आई है ना, जब से बनती है, वैसे तो घर नहीं बनती थी। और जो इसमें कुंडी में बनाते हैं ना कूट के, तो ये ना थोड़ी सी मोटी बनती है, तो ये अच्छी लगती है। अब मिक्सी में बनाओ ना तो एकदम बुरादा सा हो जाता है, तो वो इतनी अच्छी लगती नहीं है। तो टमाटर प्याज वाली ना ऐसे ही बनती है ये। और इधर देखिए खाना पीना खा के सारे हो गए हैं फुर्सत, और देखिए सारे बैठे हुए हैं। और लैपटॉप लेना था तो वही देखिए रिसर्च कर रहे हैं, ऑनलाइन देख रहे थे, तो वही हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। और अभी टाइम हो चुका है, रात के 11 बज गए हैं, किसी को भी नींद नहीं है बिल्कुल भी देखिए। और बच्चे भी जग रहे हैं, तीनों के तीनों जग रहे हैं। यान मेरा उधर देखिए शायद कार्टून देख रहा है लेट के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो करूँगी मैं यहीं पे एंड। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आनू मम्मा ड्रीम। तो मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट।